आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का विधि विधान से विधिवत भूमि पूजन करके फिर सभा स्थल पर बटन दबाकर किया शिलान्यास। कहा, पूरी दुनिया अपना रही है भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति। मुख्यमंत्री योगी ने राष्ट्रपति के प्रति जताया आभार। शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित शक्ति पीठ में किया रुद्राभिषेक। देवाधिदेव भगवान शिव से संपूर्ण विश्व के कल्याण, उद्धार, समृद्धि एवं शांति के लिए की प्रार्थना। शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में प्रातः भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पालतू कुत्ते कालू और गुल्लू को अपने हाथों से खिलाया बिस्किट। करीब 10 मिनट तक उन्हें दुलारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण। कहा, राजनीतिक व शैक्षिक पुनर्जागरण में गोरक्षपीठ की रही है महत्वपूर्ण भूमिका। 2018 को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन में परिषद से की थी अपेक्षा कि वह गोरखपुर को बनाए सिटी ऑफ नॉलेज। अपने उक्त आह्वान को साकार देखते हुए मुझे हो रही है बहुत प्रसन्नता। जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 60 केंद्रों पर शनिवार को 13,145 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 1,548 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 11,597 लोग रहे शामिल। ACMO ने कहा, शनिवार को सेकेंड डोज लेने वालों के लिए लगाया गया विशेष कैंप, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। शनिवार को गोरखपुर में आयोजित महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। लोक कलाकारों ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध। गोरखपुर उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष अनिल टिबड़ेवाल अन्नी के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेतिहाता स्थित उनके आवास पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। परिवार से मिलकर व्यक्त की संवेदना। मनाया ढांढस। दो शातिर अपराधियों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, एक चाकू व एक बेस बैट किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर में शनिवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,393। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान। 18 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में 29 और 30 अगस्त को भव्य रूप से मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। ऑनलाइन जुड़कर भक्त कर सकेंगे श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञानवर्धक विश्लेषण। और संतान के सुख समृद्धि के लिए शनिवार को महिलाओं ने नीराजल व्रत रखकर विधि विधान से की 3 छट्टी की पूजा अर्चना। संतान के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना।